हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर न्यू वीडियो। आज का आपका स्वागत अनबॉक्सिंग किंग में। आज हम आपसे बात करेंगे सैमसंग जी फ्लिप 5 की और जी फोल्ड 5 की। दोनों फोन काफी तगड़े हैं, अच्छे लॉन्च करे, पर ये मेरे को ना इतना मेजर अपग्रेड नहीं लगा दोनों में। आज हम बस इसके फीचर की क्या चेंजेस है, किस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बस आप वीडियो को पूरा देखना, बने रहना, चैनल को लोगो डालते बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, फाइनली सैमसंग का अपना फोल्ड का इवेंट हो चुका है। इसके अंदर काफी सारे अनपैक इवेंट जिसे कहते हैं सैमसंग वाले, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे, प्रीमियम रेंज के अच्छे रेंज के जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करे सैमसंग ने। जैसे फ्लिप सीरीज होगी, फोल्ड सीरीज में अपना एक नया मेंबर आ गया, वॉच में नया मेंबर आ गया, अपने इनके टैबलेट में नया मेंबर आ गया। तो मेरे को अच्छा लगा आज का इवेंट, थोड़ा ठीक था, बट यार मेरे को प्रोडक्ट में ना इतना मेजर अपग्रेड नहीं लगा सैमसंग जी फ्लिप सीरीज में और फोल्ड सीरीज में। और आज अगर पहला अपना फोन की बात है, आज हमारे जो आता है वो है जी फ्लिप 5G। तो यार ये फोन काफी तगड़ा, जी फ्लिप 5G काफी सही लगा यार। एक तो 5 है और साथ में 5G, तो बड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है। पर अगर बात करें इसके फीचर की, सबसे पहले आता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में चेंजेस इन्होंने किया है। अंदर वाली डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 2X डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कोई चेंज नहीं पुराने उसमें। और इसकी बात करें, बाहर वाली डिस्प्ले थोड़ी बड़ी करती है पहले के मुकाबले में, काफी अच्छा लगा ये काम, एक अच्छा लगा कि कुछ बड़ा किया इन्होंने बाहर की तरफ। 3.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज का, तो ये भी एक अच्छी चीज है, सही डिस्प्ले दे दिया इन्होंने। एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है बाहर वाला डिस्प्ले। अगर इसकी बात करें कैमरे की, तो 12-12 मेगापिक्सल के कैमरे है, OIS कैमरे है, तो एक अल्ट्रा वाइड है 12 मेगापिक्सल का, एक OIS है, तो अच्छा कैमरा सेटअप है इनका। और अगली बात करें अगर सेल्फी की, तो वो है 10 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो सेल्फी वही है 10 मेगापिक्सल की पुरानी सी। तो यार थोड़ा इसमें मेरे को लगता है अपग्रेड करना चाहिए था कैमरे सेटअप में, क्योंकि यार इस बार आज के जमाने में तो यार अच्छे अच्छे कैमरे सेटअप बनते हैं। सैमसंग के अपनी वो देख लो सीरीज, उसमें अच्छे अच्छे कैमरे सेटअप दे रहे, तो मेरे को लगता है वो ट्राई करना चाहिए था इनको। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है इसके अंदर LPDDR5 की रैम के साथ, UFS 3.0 की स्टोरेज के साथ। तो काफी अच्छा मतलब रैम में और इसमें अच्छा अपग्रेड किया है सैमसंग ने प्रोसेसर में, बाकी इतना कुछ अपग्रेड नहीं है, बस डिस्प्ले उसमें ही है। अगर अगली बात करें बैटरी की, तो 3700 mAh की बैटरी है, टाइप सी चार्जिंग मिलती है आपको इसके अंदर, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है इसके अंदर। और अगर बात करें वाईफाई 6 मिलता है आपको ई, और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, IPX8 की रेटिंग है, वाटर रेजिस्टेंस इस बार अच्छी कर दी इन लोगों ने। और प्राइसिंग की बात करें, तो प्राइस अभी तक इंडियन प्राइस नहीं है, पर मेरे हिसाब से 90 से लेके 1 लाख के करीब बनेगी, इनके बीच में प्राइसिंग होगी। अभी इंडियन प्राइसिंग है, जब आएगी तो मैं कंपेरिजन वीडियो भी निकालूंगा। अगर बात करें Z Fold 5 की, तो अगर इसके फीचर की बात करें, 7.6 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो काफी सही मतलब डिस्प्ले है। और बात करें अगर इसके फीचर बाहर वाले डिस्प्ले की, तो वो आता है 6.2 इंच का फुल HD प्लस, इस बार फुल HD नहीं दिया उन्होंने, HD प्लस दिया, तो मेरे को एक दुखी वाली बात लगी। बाहर एक HD प्लस का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो ठीक है बाहर वाला डिस्प्ले। और इसके प्रोसेसर की बात करें, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 दे रहे हैं, और LPDDR5 और UFS 3.0 की स्टोरेज मिलती है इसके अंदर, तो काफी सही है ये मतलब ये यार प्रोसेसर में अपग्रेड इन्होंने किया कम से कम। और बात करें अगर इसके कैमरे की, तो 50 मेगापिक्सल का OIS और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है, कैमरा सेटअप सही है। पर मेरे को लगता है एस सीरीज वाला इनको ट्राई करना चाहिए था, वो ज्यादा बढ़िया था कैमरा सेटअप, या नोट सीरीज का। अगर अगले फीचर की बात करें, तो उसके आते बाहर वाली डिस्प्ले भी तो रहेगी, वहां पे भी कैमरा है, अंदर भी कैमरा, मतलब हर जगह कैमरा ही है। और बाहर वाले डिस्प्ले की कैमरे की बात करें, 10 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है कवर डिस्प्ले में। और अगर अंदर बात करें, तो अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है 4 मेगापिक्सल का, बड़ी स्क्रीन है, एडजस्ट कम करती है कोने से और थोड़ी अच्छी करती है डिस्प्ले, खुली खुली है, मतलब हाथ और झाड़ सब जगह लगा सकते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा डिस्प्ले अच्छा एक्सपीरियंस कर दिया है। और बैटरी की बात करें, 4400 mAh की बैटरी है, 25 वाट की चार्जिंग के साथ आती है, तो 10 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है। और अगली फीचर मतलब एक्स्ट्रा फीचर की बात करते हैं, वाईफाई 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और IPX8 की रेटिंग मिलती है, तो फोन तो ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसकी कि लेना चाहिए या नहीं, तो मेरे को लगता है अगर सेल में पुराने वाले सस्ते मिल रहे तो वो ट्राई करो यार, मेरे को उसमें इतना मेजर अपग्रेड नहीं लगा ना कि आप मतलब नए फोन में इतने ज्यादा पैसे खर्च करो। अगर पुराने फोन में अगर आपको 1 लाख का पड़ रहा है Z Fold 4, तो मेरे को लगता है वो ट्राई करना चाहिए सेल में। अगर नया लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो अपग्रेड करना, तो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बेकार ही निकाला है, ऐसा नहीं है। नया लेना चाहते हो ले लो, पर मुझे लगता है इतना अपग्रेड करना चाहिए आपको, पर देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर अगली चीज बात करें कि क्या चेंजेस है, आपको एक बार चेंजेस बता दो ना, आप क्लियर हो जाओगे लेना नहीं चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसमें एक तो यार इन्होंने अपनी क्रीज कम कर दी है, थोड़ा अच्छा मतलब फोल्ड मैकेनिज्म लगाया है, गैप थोड़ा कम कर दिया फोल्ड में,
तो वो अच्छा काम किया है, डिस्प्ले एज टू एज अच्छा कर दिया, थोड़ा लार्जर डिस्प्ले कर दिया है। फिलिप की बात करें तो बाहर अगर वो सेम टू सेम वो बाहर वाला जो डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिया है, थोड़े इंच विंच का थोड़ा काम अच्छा किया है। कैमरा सेम ही है क्वालिटी वाइज, मैंने जितने भी रिव्यू देखे गए सेम ही है, और कैमरे का सेटअप भी सेम है। और सेम फीचर जो है ना गाइस देखे जाए तो डिस्प्ले एक सेम है और कैमरा सेटअप सेम है, बैटरी भी सेम है, चार्जिंग भी सेम है। तो यार बस एक बस इसमें चेंज है, वो है हिंज का चेंज आया इस बार, प्रोसेसर का चेंज आया है और क्लियर स्टोरी कम कर दी, बस ये चेंजेस से ज्यादा कुछ मेजर अपग्रेड नहीं। तो मेरे हिसाब से आप पुराना भी ट्राई कर सकते हो और सेल में सस्ता मिलेगा, आपको फोल्ड लेना है और नया लेना चाहते हो नया ले लो, नया आपकी मर्जी हो तो आप जो मर्जी देखना चाहो, पर मेरे हिसाब से आप पुराना ट्राई कर सकते हो, सेल में सस्ता मिला, बाकी नया भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि नया ना लो, सही निकाला है, कोई कमी नहीं नए फोन में। तो बस अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, आपसे हम बात करेंगे कंपेयर के लिए, कंपेरिजन करेंगे इस फोन का, जी फोन का तो कोई कंपेरिजन नहीं है, पर हाँ फ्लिप का तो अच्छा कंपेरिजन, उसे हम करेंगे जरूर। तो आप बस बने रहना, जब इसकी प्राइसिंग आएगी मैं आपसे अपडेट जरूर करूंगा कि क्या प्राइसिंग है। बाय बाय, मिलते हैं, चैनल में सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दो, से फोन फेंक के मारो उस पे अपना। तो बस चलते हैं, बाय बाय।